नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं 19th of May 2022 इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट पीजी पोस्ट ग्रेजुएट 2022। तो जो भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुछ अन्य यूनिवर्सिटी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी स्नातकोत्तर कक्षाओं में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ये एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं एनटीए के द्वारा जो आयोजित होगा। और ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है और इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं, इसमें फॉर्म भरने की डेट शुरू होगी 19 मई 2022 से और लास्ट डेट होगी 18 जून 2022 रात के 11:50 तक। फिर है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग यूपीआई 19 जून 2022 अप टू 11:50 PM, यानी आप जो है 19 जून तक पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट ध्यान रखिएगा 19 मई 2022 से 18 जून 2022 तक है। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली 20/6/2022 से लेकर 22 जून 2022 तक आप कर सकते हैं। ये कोई भी अगर आपको उसमें चेंजेस करना है, कोई भी मिस्टेक्स हो गई, सुधार के लिए 20 जून से 22 जून के बीच में। फिर है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम एनटीए वेबसाइट विल बी अनाउंस लेटर ऑन वेबसाइट। एडमिट कार्ड कब जारी होंगे संबंध में जानकारी आपको वेबसाइट पर आगे दी जाएगी, बाद में दी जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस लेटर, बाद में आपको जानकारी दी जाएगी कि किस दिन एग्ज़ाम होगा और उसकी सूचना भी आपको वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ड्यूरेशन की बात कर लें तो 120 मिनट का आपका जो है एग्ज़ाम होगा, यानी लगभग 2 घंटे, 120 मिनट यानी 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। इसमें टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन है Shift 1 और Shift 2, दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। पहला शिफ्ट जो है वो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी 10 AM to 12 noon तक। और दूसरा शिफ्ट है सेकेंड शिफ्ट 3 PM to 5 PM। अब आते हैं तीसरी चीज़, जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होगा पेपर का, जो एग्ज़ाम देंगे वो एग्ज़ाम पेपर किस तरह से आएगा। तो उसमें है इंग्लिश एंड हिंदी और लैंग्वेज स्पेसिफिक इन कंसर्न सब्जेक्ट्स। तो आपका जो पेपर है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं हिंदी, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज, तो आपको क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो स्पेसिफिक लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, अब हिंदी का पेपर हिंदी में ही आएगा, संस्कृत का पेपर संस्कृत में आएगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा, तो जो लैंग्वेज यानी भाषा के विषय होते हैं वो उसी भाषा में आएंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी और बाकी सब्जेक्ट होंगे वो बायलिंगुअल होंगे, लेकिन जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया है तो उनको फ्री में इंग्लिश मिलेगा, यानी इंग्लिश का भी मिलेगा। लेकिन जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है लैंग्वेज, तो उनको इंग्लिश ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है, ध्यान दीजिएगा, cuet.nta.nic.in या www.nta.ac.in, इन वेबसाइट पर विजिट करके आप फॉर्म भर सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट पर विज़िट करके और जानकारी ले सकते हैं। हेल्प डेस्क का नंबर भी है, तो वहाँ पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि पीजी कोर्सेस में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेस हैं उस संबंध में। जी, तो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन 2022 जो कि NTA के द्वारा कराया जाएगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पे, और आप जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं।
लेकिन उसके द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हैं वो ज़्यादातर MBA के ही हैं। तो आप देख सकते हैं MBA फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट, MBA टूरिज़्म, ह्यूमन रिसोर्स, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, इंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ई कॉमर्स, फॉरेन ट्रेड, कंप्यूटर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी, रूरल डेवलपमेंट, मीडिया मैनेजमेंट। फिर है कोर्स है MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, 2 ईयर्स का ये कोर्स है। तो इस तरह से जो PG की ये कोर्स हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इस एडमिशन में जो पेपर आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और जिसके मार्क्स यहाँ पे काउंट होंगे तो आपको इन कोर्सेज में एडमिशन मिल पाएगा। उसके लिए है पैटर्न 3rd, दैट इज PGQP पोस्ट ग्रेजुएशन क्वेश्चन पेपर 38। इसमें क्या होता है, 38 में 100 क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो 100 क्वेश्चंस आएंगे और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनके मार्क्स जो हैं काउंट होंगे। और पेपर कोड है, ध्यान रखिएगा, पैटर्न 3rd में और PGQ P38 में, ठीक है। तो इस तरह से ये अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, टेस्ट सेलेक्ट करते हैं, तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं उनका टेस्ट होगा और उसके मार्क्स होंगे, तो आप जो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में एडमिशन ले पाएंगे। अब आइए देखते हैं कि फीस और बाकी क्या डिटेल है इस संबंध में। जी, तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स एंड फी डिटेल्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG 2022, इसमें सबसे पहले तो आपको डेट क्लियर हो गया है, 19 मई से लेकर 18 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें जो आपको फीस देनी होगी उसमें है, जनरल कैंडिडेट हैं अगर, जनरल कैटेगरी के हैं, और एप्लीकेशन फ़ी अप टू फॉर 3 टेस्ट पेपर तक के लिए आपको ₹800 लगेगा। फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर ₹200। अगर आपके टेस्ट पेपर बढ़ते जाएंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा जो है ₹200 पर टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग देना होगा। यानी ₹800 तक में आप 3 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो 1 चाहे तो 3। तो ₹800 लगेगा एप्लीकेशन फ़ी, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा और सेलेक्ट करते हैं 3 के बाद से, तो आपको ₹200 पर पेपर के, पर टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा लगेगा। ये है अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। फिर आते हैं OBC नॉन क्लेमिलियर जनरल EWS के जो स्टूडेंट हैं उनको ₹600 लगेगा और ₹150 पर पेपर एक्स्ट्रा। SC ST 3rd जेंडर के लिए ₹550 एग्जामिनेशन फीस होगी और PWBD यानी पर्सन विथ फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो ₹500 उनके लिए है, विकलांग और दिव्यांग जनों के लिए। फिर इंडिया के बाहर भी हैं तो वहाँ पर फीस है, तो उस तरह से है। तो इस तरह से फीस का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो फीस बताए गए हैं फर्दर अप्लाइंग फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर में, तो उसमें आपको जैसा कि एक्स्ट्रा पाया जो है आपको जो है ₹200 के अकॉर्डिंग जो है फीस लगेगा, ठीक है। और ये टाइमिंग है आप देख सकते हैं, बाकी आपको पता है वेबसाइट, इस तरह से देख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें जो मार्किंग होगी वो मार्किंग जो है माइनस मार्किंग भी है। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, 4 मार्क्स, और अगर आप कहीं रॉन्ग आंसर पर टिक करते हैं तो रॉन्ग आंसर के आपके -1 नंबर जो हैं डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है
मार्किंग होगी, माइनस मार्किंग भी है तो ध्यान रखिएगा। और इसमें अलग अलग पार्ट के हैं, जैसे पीजी क्यूपी 01 में है, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन था लैंग्वेज एंड कॉरस, है ना, कॉम्प्रिहेंसन वर्बल एबिलिटी। तो जो भी हर एक यूनिवर्सिटी में उस कोर्सेज़ के लिए किस पेपर कोड की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर देखिए पेपर कोड लिखे हुए हैं, पीजी क्यूपी 01 से लेकर 78 या उससे ज़्यादा 77 तक के हैं, ठीक है, 77 पेपर तक या 78। तो हर पेपर कैटेगरी में उस तरह के चीज़ें सम्मिलित हैं और रिक्वायरमेंट जिस यूनिवर्सिटी की होगी उसके अनुसार से आपको पेपर कोड सेलेक्ट करना है और उसके एग्ज़ाम देने हैं, और उसमें उतने क्वेश्चंस को अनुसार से आपका नंबर मिलेगा। तो पीजी क्यूपी 38 में आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस रहेंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन रहेगा, वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित, ठीक है। और इसके बाद इसमें एमपी में जो जी एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगभग 35-36 जगहों पर एग्ज़ाम सेंटर है। आप देख सकते हैं बैतूल है, भिंड है, भोपाल है, छतरपुर है, छिंदवाड़ा है, दमोह है, दतिया है, फिर देवास है, धार है, गुना है, ग्वालियर है, इंदौर है, ठीक है, जबलपुर है, खंडवा है, खरगोन है, मंदसौर है, नीमच है, रायगढ़ है, इस तरह से लगभग 35-36 जगहों पर जो है इसका सेंटर है, भोपाल में है, इंदौर में है। तो इस तरह से आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट सेंटर है जहां से आप टेस्ट दे पाएंगे। और आइए देखते हैं इसमें आगे, इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको जो वेबसाइट है www.nta की जो वेबसाइट है उस पर विज़िट करना होगा। तो आपको इस तरह से मिलेगा संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, और इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2022, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन है यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे फिर रजिस्ट्रेशन होगा। और दोबारा आपको आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह इंटर करके। और उसके बाद फिर इस तरह से आपको ये विंडो मिलेगी जिसमें पहला ऑप्शन आपको होता है रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फी पेमेंट, तभी आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट माना जाएगा। तो इस तरह से आपको जनरल के लिए फ़ीस वगैरह का डिटेल दिखेगा, 800 है। और यहाँ से आपको प्रोसेसिंग करनी है और ये सभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पासवर्ड 8 से लेकर 13 करेक्टर का रहेगा। फिर नीचे यहाँ लिखा आएगा, आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन CUET PG 2022, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन देयर इन एज वेल एज द अप टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द CUET PG 2022 अकॉर्डिंगली, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट पेज है ओपन होगा। और इस तरह से आपको जो है फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2022, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। और उसके बाद ये पूरी डिटेल्स हैं, इसमें आपको फिलअप करने हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, दीज आर द डिटेल्स, ठीक है, ईमेल एड्रेस और सब चीज़ें। फिर उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड चूज़ करने के लिए ऑप्शन आएगा और सिक्योरिटी पिन जो होगा वो इंटर कीजिएगा और सबमिट करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको इस प्रकार से जो है ये आपका मिलेगा, और एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको ऑप्शन मिलेगा जब वो टाइमिंग आएगा तब, ठीक है। बाकी इस तरह से आप देखेंगे तो पर्सनल डिटेल आपको दिखेगी और परमानेंट एड्रेस वगैरह जो हैं इस तरह से आपको डिटेल्स जो हैं दिखेंगी फॉर्म भरने के बाद। और ये सब चीज़ें इस तरह से हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
आधार कार्ड नंबर है तो उसके में यस करके हम एड कर सकते हैं, और आधार डिटेल देना है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं फिलअप करने के बाद जो भी यहाँ पर ये देखिए इसमें जो भी है टेस्ट पेपर है इधर से आपको सेलेक्ट करना है। ये टेस्ट पेपर इतने सारे लिखे रहेंगे तो स्क्रॉल करते जाइएगा और टेस्ट पेपर सेलेक्ट करिएगा। 3 तक सेलेक्ट करेंगे तो 800 रुपये है, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो 200 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट पेपर। सो हियर इज़ द ऑप्शन, यू हैव टू टिक दैट ऑप्शन विच यू वॉन्ट टू अपीयर। ठीक है, फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन्स आएंगी, उस तरह से उसमें भी आपको फिलअप करते जाना है और सभी जो फॉर्म की डिटेल्स एक बार आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करें। तो इस तरह सारी डिटेल्स हैं, सभी को आपको फिलअप करना है ध्यान से और कोई मिस्टेक्स ना हो, और मिस्टेक्स होती भी तो करेक्शन का जो ऑप्शन आएगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म है, और जब फाइनली आपका जो फॉर्म भरेगा तो इस तरह से कुछ दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर एक मिल जाएगा, बारकोड रहेगा, फिर आपका पर्सनल डिटेल इस तरह से, और पूरा अप्लाई फॉर किसके लिए किया है आपने और कौन सा भी टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया है इस तरह से रहेगा, और आपका फ़ोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका जो है वो दिखेगा फॉर्म। तो बिल्कुल आप इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।